तेल है, तेल में थोड़ी सी पकौड़ियाँ तलेंगे। तो सही लग रही है ना? तेल में लहसुन, ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे हल्की मिर्ची, ये है हमारी मिर्ची। लहसुन ब्राउन होने के बाद ये हुई मेथी, मेथी डालेंगे इसमें। फिर डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च तोड़ के, और एक ही हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और पानी। फिर इसको हम थोड़ा सा, मिर्च भुन जाती है फिर डालते हैं थोड़ी सी हींग। हींग के बाद हमने थोड़ा सा ये पानी लिया है, उसमें हल्दी और धनिया और सूखी मिर्च डाली है, और इसे हम इसके साथ छोड़ें। थोड़ी देर इसे पक नहीं देती, ये हमारा उबाल आ गया। उबाल आने के बाद तुरंत हम इसमें जो हमने घोल बनाया है मट्ठे का और बेसन का, इसे हम होने वाली कड़ी तैयार। कलर कड़ी 10 मिनट 15 मिनट तक, 15-20 मिनट पकाना ही है। फिर ये पकौड़ियाँ डाल के कंप्लीट हो गई आपकी कड़ी। उसको देखो, और देसी घी का हल्का सा तड़का लगाएंगे जीरे से। ये हमारा थोड़ा सा जीरा है, और जीरे के साथ थोड़ी सी लेंगे लाल मिर्च। इससे आ जाता है कलर, ऐसे हम कड़ी में यूज करेंगे। थैंक यू गाइस देखने के लिए। ये थी मम्मा की कड़ी की रेसिपी, इजीएस्ट रेसिपी है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।